कानपुर देहात के मलासा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पुरंदर में कोटेदार पर कुछ आपत्तिजनक लोगों ने आरोप लगाई और कुछ मीडिया कर्मियों ने भी उनका सहयोग किया, जिसकी खबर भी चलाई गई थी। उनका आरोप था कि कोटेदार अपनी मनमानी के चलते अंगूठा तो लगवा लेते हैं लेकिन राशन नहीं देते, जिसका जिला पूर्ति अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच करवाई तो यह आरोप झूठे साबित हुए। वहीं सप्लाई इंस्पेक्टर ने स्वयं जाकर कार्ड धारकों से बात की तो ग्रामीणों ने बताया कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है, यहाँ पर कोटेदार बराबर राशन समय से वितरित कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि कुछ मीडिया कर्मी सच्चे और ईमानदार लोगों को क्यों बदनाम करते हैं। आपको बताते चलें कि पूरा मामला कानपुर देहात के पुलांदर गांव का है, जहां अराजक तत्वों द्वारा आरोप लगाया गया था जो कि झूठा साबित हुआ। वहीं जब सप्लाई इंस्पेक्टर ने जांच पड़ताल की तो मामला हवा हवाई साबित हुआ, जिससे निर्दोष कोटेदार को न्याय मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। कोटा शंकर सिंह के नाम से है। क्या मामला है आपका जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, ये कितने सही है? ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है, प्रधानी का चुनाव आ रहा है, इस वजह से पूर्व प्रधान जो है ये लगा रहा है आरोप, झूठे आरोप। हमारा हर माह माल्यो मशीन के द्वारा वितरण विद रजिस्टर में भी चढ़ता है और पूरे सिंगर पेट और रजिस्टर कोई भी आके चेक कर ले, कार्ड चेक कर ले, कार्ड में भी चढ़ाया जाता है और मौखिक न माना जाए, कार्ड और मशीन रजिस्टर सब देख लिया जाए तो सत्य निकलेगा। आरोप लगाया है, क्या वजह थी, किस वजह से लगाया था, क्या बात हुई थी उस दिन? वो आरोप लगाया था मोक्स और हाथ धुलने के लिए बोलने पे कि ऐसा है ये कोरोना चल रहा है, हाथ धुल लो और गवर्नमेंट की तरफ से साबुन मिलता है हमें हाथ धुलाने के लिए, और मोक्स लगा के इसके बाद उठा लगाओ आके। तो बोला मैं नहा के आया हूँ, कोई कुत्ता कड़ील के नहीं आया, दारू पिए था। तो मैंने उसको डांट दिया कि इस हालत में आपको आना यहाँ शोभा नहीं देता, और समाज में हर प्रकार के मान लो बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, आदमी भी आते हैं, और दारू पी के राशन लेने मेरे दरवाजे ना आना, इतनी बात है। ये आरोप लगवाया पूर्व प्रधान है और ये मीडिया वाले हैं वो विशाल मिश्रा, इन्होंने जो है एक घर में बैठ के और ये रचना रची है, उन्हीं के घर के 10-15 आदमी थे तो एक ही घर से हुआ है, उसका नाम है रमेश सनाब हनुमान। और हमारे गांव में जानकारी कर ली जाए, इतना बड़ा गांव है हमारा कि कम से कम 650 कार्ड है, तो कोई वो नहीं है, केवल 10-5 कार्ड की केवल कंप्लेन है, वही घर के जो मान लो दारू पी के आया था। कोटा चल रहा है 90 से मेरा, और बराबर कोई हमला नहीं है और वो साफ सुथरा काम चलाते हैं। ठीक है, आप आए हो तो हम अपने अधिकारियों द्वारा अवगत करा लेंगे, जांच करा लेंगे, अगर दोषी होंगे तो सजा दी जाएगी। तो हम निर्दोष हैं, हमारे मशीन चेक की जाए और कार्ड चेक किया जाए। राजकुमार जी, राजकुमार जी, आप कितने सालों से इसमें राशन ले रहे हो, क्या कभी किस तरीके से कोई दिक्कतें हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमको गल्ला पूरा मिलता है, महीने में 2 बार मिल रहा है करंट टाइम में। हाँ, एक व्यक्ति इनके ऊपर आरोप लगा रहा है, क्या कितना यह सही है? अब क्या मालूम सही है गलत है, वो व्यक्ति वो खुद ही जान सकते हैं, जो हम लोगों का है वो सही मिलता है गल्ला, 2 बार मिलता है, हम इसमें गलत आरोप नहीं लगा सकते हैं।